अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको अपने जो है नए मेंबर से मिलाने जा रही हूँ। मैं यहाँ कहीं आई हुई थी तो मैं बर्ड शॉप पे गई और वहाँ से मुझे इनका सामान लेना था, फिंचेस और पैरट्स का। तो मेरा कब से इरादा था कि मैंने डव फिंचेस लेनी है, डव बर्ड्स। तो ये डव बर्ड्स मुझे नज़र आ गए। अच्छा, ये फुल डव बर्ड्स नहीं हैं, ये जो हैं सिर्फ अभी उनके चिक हैं, बच्चे हैं, और अभी 2 मंथ्स बाद जो है ये बिल्कुल फुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये मैंने ख़रीद दी हैं और मुझे बहुत पसंद आई हैं और इनके रिज़नेबल प्राइस हैं। तो 2000 की बताई थी मुझे और फ़ाइनल उसने मुझे 1700 में दिए हैं ये डव। आप मुझे बताइएगा कि ये बिल्कुल रिज़नेबल प्राइस है या नहीं, क्योंकि काफ़ी जो बर्ड्स लवर होते हैं और जिनके पास होती हैं फिंचेस और पैरट्स, तो वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनके क्या प्राइस हैं। तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगी कि मैंने और कितने कम कराए। फ़ाइनल बहरहाल 1700 हो गए थे। अच्छा जी, तो ये जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और अभी बहुत छोटी हैं थोड़ी सी, तो और इनकी पहचान भी है मेल और फीमेल की, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा जी, मैं अभी इन्हें डालने लगी हूँ केज में। मैं यहाँ कहीं आई हुई थी अपने किसी के घर, तो मैंने जो है ये जो डव बर्ड्स हैं इनको मैंने ख़रीदा है। अभी मैं इनको फिंचेस के साथ यहाँ डालूँगी। इनके ये फिंचेस भी मेरी ही हैं जो यहाँ पर हैं, तो इनके साथ मैं यहाँ डाल दूँगी फ़िलहाल। और व्हेन आई रिटर्न, जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं इनको उनके केजेस में वापस डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, जिसका स्पेशल अलग कलर का रिंग जो है ना वाजे दिखेगा वो मेल होता है और जो दूसरी होती है वो फीमेल होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी डालते वक्त इनकी करीब से भी, ठीक है। तो मैं इन्हें केज में डालने लगती हूँ और आपको जो है मैं इन्हें करीब से दिखाऊँगी। और ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं ये। एक्चुअली आई एम द बर्ड्स लवर, तो मुझे तो बर्ड्स पसंद ही हैं और मैं डिफरेंट वैरायटी रखना चाहती हूँ बर्ड्स की। तो ऐसा ऐसा जो है मैं इन्हें बढ़ाऊँगी और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी हैं ये। ज़्यादा अच्छी होती हैं फिंचेस, तो बहरहाल फिंचेस की अपनी बात है, नाजुक होती हैं, प्यारी होती हैं, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। और इनकी मैंने अभी वॉइस नहीं सुनी डव की, लेकिन जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस है डव का, फ़र्स्ट टाइम दी है मैंने ये। तो मैं अब इनको भी अच्छे से केयर करूँगी इनकी, अपने घर ले जाके जब इन्हें केज में डालूँगी। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे केज में डालती हूँ और फिर मैं आपको इनके करीब से फेस भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये फ़िलहाल अभी केज है, यहाँ पे एक जोड़ा है आपको दिख रहा होगा, नीचे भी हैं फिंचेस। तो इनकी भी एक डिटेल है बहुत के जो ना, ये जो जोड़ा दिख रहा है ना आपको, ये मेरी फिंचेस के चिक्स थे जो बड़े हो गए थे और फिर मैंने इनको यहाँ दे दिए गए थे अपने घर पे, मेरी मदर का घर था। तो इनसे इनके बच्चे हुए और वो माशाल्लाह देख रहे हैं आप कितने बढ़ गए, यहाँ पे 3 जोड़े हैं पूरे, ठीक है, बढ़ गए वो। और माशाल्लाह से मेरी फिंचेस ऐसी होती हैं जो काफ़ी ग्रोथ करती हैं, ठीक है। तो फिर मैं जो है अब ये अपनी डव फिंचेस इधर डाल देती हूँ, डव चिड़ियाँ फ़िलहाल। और जो है कल मैं इन्हें निकाल के यहाँ से वापस इन्हें अपने केज पे शिफ्ट करूँगी। वो माशाल्लाह मेरा बड़ा केज है, उनको पूरा एक अलहदा पोर्शन दूँगी मैं इनको, और बहुत ही क्यूट और मासूम सी हैं, ये शक्ल से दिख रही होंगी आपको। तो अभी ये जाली में साफ नज़र नहीं आ रही, मैंने बाहर निकालती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी ही खूबसूरत है ये। और इसका रिंग जो है ना दिख तो रहा है आपको नॉर्मल पूरा ऑरेंज कलर में जो रिंग बना हुआ है, लेकिन जब मैं आपको दूसरी दिखाऊंगी ना तो उसका रिंग और भी वाजे नज़र आ रहा होगा। तो आई थिंक शायद ये फीमेल है, ठीक है। थिंक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम लिए ये इसलिए, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है और बहुत खुशी हो रही है इसे हाथ में लेते हुए भी। बहुत प्यारी और बहुत स्वीट सा कलर है इसका, ठीक है। तो अभी ये जो है ना मैं इसको केज में डालती हूँ और दूसरा वाला भी दिखाती हूँ आपको जी। तो सेकंड वाली ये रही, और अब मुझे पता चला है कि उसका रिंग ज़्यादा डार्क था, ठीक है, और इसका रिंग थोड़ा सा लाइट है। ये देखें, साफ पता चल रहा है, गौर से देखें, ठीक है। तो ये फ़र्क है इनका कि जिसका रिंग नॉर्मल सा हो वो फीमेल होती है, ठीक है, और जिसका रिंग बहुत डार्क होता है वो मेल होता है। और वो जो पहले वाला मैंने रखा है ना सामने आपको दिख रहा है, ये देखें डार्क सा अलग से ही दिख रहा है। तो ये मेल है और ये फीमेल। और अब मैं इसे भी इसके साथ छोड़ देती हूँ, ठीक है। देखें आप, और ये देखें कितने खूबसूरत हैं ये और कितने प्यारे हैं। इनकी शेप जो है ना बिल्कुल पिजन लाइक होती है, कबूतर जैसी, और ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, ठीक
ठीक है, मैं आपको करीब से और दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैंने इन दोनों को छोड़ दिया। अच्छा, इनका दाना जो होता है वो ये जो खाते हैं वैसा नहीं होता, इनका डिफरेंट होता है। जो मैं ऑस्ट्रेलियन को खिलाती हूँ ना, इनका वो दाना होता है। जो फिंचेस के होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो मैं इनका दाना भी डालती हूँ, काफ़ी देर से इन्होंने दाना पानी नहीं खाया हुआ और ये रास्ते में थे काफ़ी टाइम से। ये मैंने इनका दाना जैसे ही डाला है तो देखें, काफ़ी टाइम से भूख लग रही थी इन्हें और इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह कहना भूल गई थी मैंने, आप भी कहिएगा। अच्छा जी, तो ये अपना दाना खा रहे हैं और अब फिर पानी भी पियेंगे। अभी मैंने इनको इनके फिंचेस के साथ छोड़ दिया है, यहाँ पर एक जोड़ा है फिंच का, नीचे तीन जोड़े हैं माशाल्लाह से। तो मैंने अभी ऊपर वाले जो है केज में इनके साथ रख दिया है, क्योंकि ऊपर एक ही पेयर था तो मैंने इनको जो है इनके साथ डाल दिया। और ये बहुत सीधे साधी सी हैं, ना तो ये काटती हैं, ना छेड़ती हैं, ना बिल्कुल कोई भी, बहुत सीधे सी हैं, बिल्कुल कबूतर की शेप हैं इनकी। फिंचेस फिर भी थोड़ी सी कुछ शार्प होती हैं, जब पकड़ो तो चोंच मारती हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मैं डर रही थी फर्स्ट टाइम ने हाथ में लेते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पानी मौजूद है, यहाँ चिड़ियों का दाना मौजूद है और यहाँ मैंने इनका दाना नीचे डाल दिया अभी फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह जब मैं अपने घर जाऊंगी तो इनका अच्छा सा सेटअप करके और इन्हें अलहदा कैच में रखूंगी, ठीक है। अब मैं चाचा चाहती हूँ, और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसके प्राइस भी रिजनेबल थे और आपको कैसी लगी मेरी ये डॉग फिंचेस, ठीक है। तो प्लीज़ जो बर्ड्स लवर हैं या बर्ड्स लवर नहीं हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़।